ભુજ હવામાન વિભાગે વાતાવરણમાં થતા બદલાવ અંગે વાત કરી. એક્ચુઅલી અભી જો મેઇન રીઝન હે જો ગ્લોબલ જો ક્લાઇમેટ ચેન્જ હે આપકે વેરિએશન અભી કુછ સાલો સે ક્યા હો રહા હે કી થોડા સા જ્યાદા ચેન્જીસ દેખને કો મિલ રહે હે મેઇનલી આપકે ટેમ્પરેચર મે क्योंकि जैसे आपका नॉर्मल से टेम्परेचर जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई आपकी जैसे भुज में आपकी अर्बनाइजेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है कुछ टाइम से लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो आसपास का कच्छ का एरिया उसमें उतना मतलब अर्बनाइजेशन नहीं है उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है बट भुज में क्या हो रहा है कि आपकी एक तो मतलब प्लांटेशन मतलब उतना एस कंपैरेटिवली जितनी पॉल्यूशन और ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं बट उतना मतलब प्लांटेशन वगैरह नहीं है उस रीज़न उसमें दूसरा क्या होता है कि आपका जो और नियर बाई एरियाज़ हैं वो आपकी कोस्टल साइड में है तो उसमें क्या होता है कि आपका उतना ह्यूमन एक्टिविटीज़ उतनी इंक्रीज़ नहीं है तो ग्लोबल क्लाइमेट इफेक्ट है ही साथ में लेकिन ये कि नियर बाई जो और एरियाज़ हैं उनमें क्या होता है आपका कभी भी जैसे अभी अपर लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन चल रहा है तो उसमें आपके रेनफॉल के जो चांसेस होते हैं वो आसपास ज़्यादा हैं अभी कोस्टल एरिया में उसके आसपास भुज में क्या होता है कि आपका थोड़ा सा मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो एज़ कम्पेयरटिव टू कोस्टल रीजन भुज में उतना रेनफॉल उतना नहीं जितना जैसे कच्छ में देखा गया तो लास्ट 24 आवर्स में एक तो एरियाज़ में हुआ है बट भुज के आसपास उतना नहीं था तो उन एरियाज़ में क्या हो कि आपका टेम्परेचर उतना चेंज नहीं हुआ है राइज नहीं हुआ है लेकिन भुज में क्योंकि इतना रेनफॉल नहीं रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग की तरफ ही रहा है तो कम्पेयरटिव टू अदर जो प्लेसेज हैं आपका भुज में मैक्सिमम टेम्परेचर देखा जा रहा है 2-3 दिन से अभी तो ये मेन रीज़न है आपका भी.